प्रश्न नंबर एक है, ऐसा पूर्णांक लिखिए जिसका प्रश्न नंबर ए है योग बराबर माइनस सात। इसमें हम दो ऐसे पूर्णांक लेंगे जैसे माइनस चार हो गया प्लस माइनस तीन हो गया बराबर माइनस चार प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस तीन बराबर माइनस के सात आंसर। ठीक है, ऐसे ही यहां माइनस चार के बजाय अगर हम माइनस पांच ले ले और यहाँ तीन के बजाय माइनस दो ले ले तब भी यही आएगा, और अगर हम यहाँ माइनस चार के बजाय माइनस छह ले और माइनस तीन के बजाय माइनस एक ले तब भी हमारा योग माइनस के साथ ही आएगा। अब ऐसी संख्या है जिनका अंतर ज्ञात करना है, हमें योग दो पूर्णांक ऐसे लेने हैं जिनका योग माइनस के दस आए, तो हम यहां लेते हैं माइनस के ग्यारह, अंतर ज्ञात करना है तो माइनस का वन बराबर माइनस ग्यारह हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया वन, तो माइनस के ग्यारह में से प्लस के वन गए माइनस के दस आंसर। और योग बराबर जीरो है तो एक हमने यहां माइनस वन ले लिया, प्लस वन बराबर माइनस वन और प्लस वन बराबर, जब ये दोनों बराबर है आपस में चाहे तो काट दो वरना पता ही है आपको कि इसका आंसर एक में से एक है जीरो ही आएगी। ठीक है, ये प्रश्न नंबर एक हो गया। अब प्रश्न नंबर दो है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखे जिसका अंतर आठ हो, जैसे यह था अंतर वाला ही था, ऐसे ही आप प्रश्न नंबर दो खुद कर सकते हैं जिसमें जैसे उसने कहा है एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर आठ है, तो एक आपने संख्या माइनस बारह ले ली और माइनस के बीस ले लिए, जब आप उसमें से माइनस बारह में से माइनस बीस कम करोगे तो आपको प्लस के आठ ही मिल जाएंगे अंतर में। ठीक है, बी क्वेश्चन है, एक ऐसा पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग माइनस पांच है, तो माइनस के तेरह ले लीजिएगा और प्लस के आठ ले लीजिए, जब उन दोनों का योग करेंगे आप तब आपको माइनस के पांच मिलेगा। सी क्वेश्चन है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर माइनस तीन है, तो अंतर ज्ञात करना है तो एक माइनस एक ले लीजिएगा और एक प्लस के दो ले ली, धनात्मक संख्या दो ले लो और माइनस ऋणात्मक संख्या एक ले लीजिएगा। ठीक है, जब उनका आप अंतर ज्ञात करोगे तो माइनस के तीन ही आंसर आएगा। अब प्रश्न नंबर तीन है, किसी प्रश्नोत्तर के तीन उत्तरोत्तर चक्रों से में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक माइनस चालीस दस जीरो थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए अंक दस जीरो माइनस चालीस थे, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो प्रश्न नंबर तीन है, ए टीम द्वारा प्राप्त अंक बराबर है माइनस चालीस प्लस दस प्लस जीरो बराबर माइनस के चालीस और प्लस के दस हो गए बराबर माइनस तीस, और बी टीम द्वारा प्राप्त अंक हो गए हैं दस प्लस जीरो प्लस माइनस के चालीस बराबर दस प्लस जीरो प्लस माइनस माइनस चालीस बराबर माइनस तीस। तो अब आपको यहां देखो
माइनस 30 ही ए टीम ने प्राप्त अंक किए हैं और माइनस बी टीम ने भी माइनस के 30 अंक प्राप्त किए हैं। तो दोनों टीमों ने समान अंक प्राप्त किए, समान अंक प्राप्त किए। और लास्ट में उसने प्रश्न किया, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, हम इन पूर्णांकों को किसी भी क्रम पर जोड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो बच्चों, इसमें एक बराबर के बाईं ओर संख्या है और दाईं ओर संख्या है जो इसके, तो आप देख रहे होंगे इसके बाईं ओर माइनस 5 है, प्लस में माइनस 8 है, बराबर में एक ही संख्या दी है, तो जो दूसरी संख्या बची है वो यहां पर आ जाएगी। और हमने माइनस 53 में क्या जोड़ा है, जो हमारा आंसर जो है माइनस 53 ही आया, तो यहां पर इसका आंसर 0 होगा। और 17 में हमने क्या जोड़ा, जो हमारा आंसर 0 आया, तो इसके अंतर्गत हम माइनस 17 होगा, क्योंकि जब हम प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, ये प्लस के 17 है और वो माइनस के 17 होंगे, तो प्लस के 17 में से माइनस के 17 जाकर के 0 आएगी। अब इधर आपको कह रहा है प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस 21 है, ये दो पद इधर है, जो तीसरा पद बराबर के सामने दिया हुआ है वो इधर नहीं है, वो भी आपको केवल इसके अंदर लिखना है, ठीक है। और पांचवा प्रश्न है, माइनस 4 है, प्लस है, बड़ा ब्रैकेट है 15 है, प्लस माइनस 3 ये सही है बस।